Hello students, I am Ruchi Meena from GPP Karoli. आपका सब्जेक्ट है 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग. आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जिसपे हम बात कर रहे हैं एस्टिमेटिंग की. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है. एस्टिमेटिंग एक ऐसी कला या ऐसा आर्ट है जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले किसी भी प्रोडक्ट की अंदाजन लागत का अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना हमारा खर्चा होगा कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले. तो मेनली ये एक प्रोबेबल कॉस्ट की कैलकुलेशन है जो कि किसी भी आर्टिकल या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम करते हैं. इसमें हम पहले से ही कितनी क्वांटिटी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमें कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है, कितना लेबर रिक्वायरमेंट है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होगा, ये सब हम पहले से ही अंदाज़ा लगाते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि भाई इतना इतना हमारा खर्चा हो जाएगा. इसीलिए हमें जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमें हाईली टेक्निकल स्किल्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस्ड वर्कर या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, जिन्हें पता हो क्या ऑपरेशंस यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ लेंगे, कितना टाइम कंज्यूम होगा. ये सारी नॉलेज उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो जो टेक्निक्स हम यूज़ ले रहे हैं, जो जो मेथड्स हम यूज़ ले रहे हैं, उन सब के बारे में नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, ऐसे किसी एम्प्लॉय को हम रखते हैं एस्टिमेशन करने के लिए. अब एस्टिमेशन का इम्पोर्टेंस क्या है. एक्यूरेट एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है मार्केट में कम्पीट करने के लिए, कि भाई कोई आर्टिकल हम बना रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं. अगर हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, दोनों ही हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ होगी. इसीलिए मैंने कहा कि एस्टिमेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें स्किल्ड टेक्निकल एम्प्लॉय या वर्कर की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ हमारे लिए कुछ भी मिस्टेक होना लॉस होगा. अगर हम ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं तब भी लॉस है, और अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तब भी लॉस है. कैसे? अगर हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, टेंडर्स नहीं फिल कर पाएंगे. और अगर हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं तो हमें खुद को बहुत नुकसान हो जाएगा. इसीलिए एस्टिमेशन की करेक्ट वैल्यू या फिर किसी भी प्रोडक्ट की एस्टिमेशन की करेक्ट वैल्यू हमें पता होना ज़रूरी है. एम एंड फंक्शन ऑफ एस्टिमेशन. एम क्या है हमारे एस्टिमेशन के, कि हम कर क्यों रहे हैं, उद्देश्य क्या है. उद्देश्य ये है कि हम जो फैक्ट्री ओनर है उसको हेल्प करें मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्राइस पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस लेने में, फिर हमें टेंडर्स भरने में हेल्प करें, डिसाइड करें टोटल जो भी खर्चा हो रहा है उसमें कंपैरिजन और उनकी चेकिंग कि भाई एक्चुअल जो खर्चा हो रहा है और जितना होना चाहिए उनकी कंपैरिजन और चेकिंग के लिए हमें हेल्प करता है. और जो हमारा लेबर होता है उनके वेजेस को डिसाइड करने में भी हमारी हेल्प करता है एस्टिमेशन. अगर हम एस्टिमेट कर लेंगे कि भाई अप्रोक्स इस काम में इतना खर्चा होगा, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमें इस लेबर को कितनी तनख्वाह देनी है या कितनी मनी देनी है. और क्या करता है, मेन एम क्या है एस्टिमेशन का, इट हेल्प टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल शुड बी परचेज फ्रॉम मार्केट और टू बी मैन्युफैक्चरिंग. इससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई कोई पर्टिकुलर मटेरियल है जो हमें खुद ही को बनाना चाहिए या फिर हमें मार्केट से परचेज करना बेटर रहेगा.
ये तो हमारे एम हो गई। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये हम एस्टिमेशन करते हैं। अब फंक्शन क्या है, क्या कार्य होता है एस्टिमेशन का, तो मटेरियल कॉस्ट को और उससे रिलेटेड जो भी अलाउंसेस होते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, उन सबको डिटरमाइन करना किसका काम होगा, एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का काम होगा। फिर लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट ऑफ टूल इक्विपमेंट्स को डिटरमाइन करना, डिफरेंट ओवरहेड चार्जेस जो बेसिक हमारा लागत होगी उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा उन सबको इंक्लूड करते हैं तो हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो जो डिफरेंट ओवरहेड चार्जेस होंगे उन्हें डिटरमाइन करना, फिर सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, सब कुछ कर इंक्लूड करके फाइनली डिसाइड करना कि भाई ये हमारी सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट के साथ में सेलिंग प्राइस की जब भी बात कर रहे हैं मतलब हम उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट में जितना हमारा खर्चा हो रहा है प्लस जो हमें प्रॉफिट चाहिए वो इंक्लूड करके हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना ये भी एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का काम होगा। फिर टाइम मोशन स्टडी को कंडक्ट करवाना ताकि हमें पता चल सके कि कोई भी, जैसे हमारे फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सारे ऑपरेशन सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ ऑपरेशन होते हैं मशीन्स पे टोटली फुली ऑटोमेटिक जो टोटली मशीन पे परफॉर्म हो रहे हैं, पर जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है, जहाँ मशीन के साथ में वर्कर को भी इनपुट देना पड़ रहा है, तो हम एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालते हैं कि भाई इस मशीन में या इस ऑपरेशन को काम करने में कोई भी करे तो एक स्टैंडर्ड टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना वक्त लगेगा और उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए हम टाइम मोशन स्टडी कंडक्ट करवाते हैं, तो वो भी हमारा किसका काम होता है, एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर हमें सबसे इकोनॉमिकल मेथड को फाइंड आउट करना किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि भाई कम से कम खर्चे में या बेस्ट क्वालिटी के साथ में हम कैसे इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ये सब कुछ फाइंड आउट करना हमारा एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट है कि अगर हमें कुछ डिज़ाइन में चेंज करना है, सपोज़ हमारा मैन्युफैक्चरिंग में टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है या फिर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो उसकी एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए उसमें हमें क्या चेंजेस करने होंगे उसके डिज़ाइन में, तो वो भी हमारा एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट करता है। टू कीप कंट्रोल ओवर सेलिंग एक्सपेंसेस विथ द हेल्प ऑफ सेल्स मैनेजर्स के हेल्प से सेलिंग एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना, और टू कीप कॉन्टैक्ट विथ सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रखने का काम भी हमारा एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। ये तो हमने बात किया कि भाई उद्देश्य क्या है और इसके फंक्शन क्या है, पर हम एस्टिमेशन करते कैसे हैं, तो एस्टिमेशन करने के जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि भाई हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए प्रोडक्ट के। जब हमने डिसाइड कर लिया हमारी ये रिक्वायरमेंट है और ये स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, तो उसकी एक रफ ड्राइंग तैयार होगी, सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होंगे, जो जो मशीन्स हम यूज़ करेंगे वो होंगे, कितना अलाउंस देना है, कितने लेबर यूज़ करने हैं, कितना टाइम लगेगा, ये सारे उस लेआउट में होंगे। फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई जो एक्यूरेट फिनिशिंग होगी उसमें हमें क्या क्या चाहिए। देन हम प्रिपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिर हम
मटेरियल कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, जब हमें पता चल गया हमें ये साइज़ के इतने इतने प्रोडक्ट बनाने हैं तो उसमें हमारी मटेरियल की कितनी कॉस्ट होगी वो हम डिटरमाइन करेंगे। मटेरियल की कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद में हम जो वेरियस ऑपरेशंस होंगे उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा उसको हम डिटरमाइन करेंगे। टाइम कंज्यूम करने के बाद में हम लेबर कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे कि पर्टिकुलर ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग लेवल ऑफ स्किल्ड लेबर्स की हमें ज़रूरत होती है, तो उनको कैटेगराइज करेंगे और उनकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट डिसाइड कर देंगे और उस कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इन सारे कैलकुलेशन, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इन सब की एडिशन होती है हमारी प्राइम कॉस्ट। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ कॉस्ट में भी देखोगे कि कौन कौन सी टाइप ऑफ कॉस्ट होती है और इनके फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अभी के लिए ये जान लो कि क्या होता है, एक जनरल रफ व्यू दे रही हूँ, उसके बाद में इनकी डिटेलिंग भी है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। फिर फैक्ट्री ओवरहेड डिटरमाइन करना, जो हमारी प्राइम कॉस्ट है उसके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं जैसे डेप्रिसिएशन का, मेंटेनेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, पावर सप्लाई के लिए, वो सब हम इंक्लूड करें किसी भी एक फैक्ट्री को रन करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ये डिटरमाइन कर लिया प्राइम कॉस्ट का। डिटरमाइन करने के बाद में हमने डिटरमाइन किया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड डिटरमाइन करने के बाद में हम डिसाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड प्लस जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हो रहा है पॉलिसी मेकिंग में या उनसे रिलेटेड जो ऑफिसर्स हम रख रहे हैं उनकी सैलरी में, वो सारी कैलकुलेशंस हमारी आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकालने के बाद में पैकिंग और डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वो इंक्लूड करेंगे और तब कहीं जाके हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास में एक सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जब हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना डिस्काउंट या अलाउंस देना है। देन फिर हम डिलीवरी टाइम डिसाइड करेंगे। जब हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर ली भाई कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, तो हम डिलीवरी टाइम डिसाइड करेंगे। ऑब्वियस है डिलीवरी टाइम डिसाइड करेंगे तो ये सारे एस्टिमेशन हो रहे हैं तो हम कंसर्निंग डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे और उनके हेल्प से हम एक डेट फिक्स करेंगे या फिर पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा ये डिलीवरी हम इतने दिनों में कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो होते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट की एस्टिमेशन करने के लिए। थैंक यू।